हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय बेटी किचन डायरीज में आपका स्वागत है और आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं सूजी के और ड्राई फ्रूट का गोंद बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं, या पंजीरी भी कह सकते हैं, सूजी और गोंद की पंजीरी। और यहाँ पे हमने लिया है ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो मेन इन्ग्रीडियंट है, काजू लिए हैं हमने, बादाम लिए हैं, छुआरे लिए हैं, 200 ग्राम लिए हैं तीनों चीज़ें, और 250 ग्राम के करीब हमने दाल मखाने लिए हैं। और यहाँ पे हमने दालचीनी ली है 1 कटोरी, सूजी ली है हमने, यहाँ 2 कटोरी सूजी लगेगी हमें। और यहाँ पे हमने खशखश ली है 1 कटोरी, और ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं खशखश को। हमने बीजे या मगज़ लिए हैं 1 कटोरी, 1 कटोरी या 250 ग्राम के करीब हमने लिया है गोंद। और यहाँ पे हमने 1 से 1.5 नारियल के बट्टी ली है जिसे ग्रेट करके रखा है, और थोड़ी सी सूजी हम भून लेंगे और फिर छान लेंगे। उसके बाद हम घी में इसे अच्छे से भूनेंगे, पहले हम हल्का सा सोटे करके छान लेंगे। और हमने सूजी निकाल ली है और थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसमें हम फ्राई करेंगे, सूजी को अच्छे से भून लेंगे और सूजी को छान लेंगे पहले अच्छे से। और अब घी में अच्छे से हम सूजी को भून लेंगे और ये अच्छे से हमारा भुन चुका है, और देख सकते हैं कलर भी आ गया है सूजी में भुनने का। और अब हम इसे निकाल लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हम फ्राई कर लेंगे ऐसे ही घी में। और यहाँ पे हमने गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है घी में, और गोंद को फ्राई करने में ज़्यादा घी लगता है, मैं आपको बहुत बार करके दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया है पार्ट। और यहाँ पे हमारे गोंद फूले फूले बन गए हैं। छुआरों को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है और बहुत सारे घी में किया है ताकि अच्छा टेक्सचर आए। किशमिश को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और हमने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, दाल मखानों को भी, और घी में ही करना है और बहुत अच्छे से रोस्ट किया है। और यहाँ पे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे अब सब चीज़ों को अलग अलग, और एक बड़ा सा बाउल लेंगे या कुछ भी बड़ा सा बर्तन लेंगे, और उसमें अब हम जो भी मिक्स करने के लिए है, जो भी हम फ्राई करके पीसेंगे, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले सूजी डाल दी है, अब हमने यहाँ पे दालचीनी को भी फ्राई कर लिया था, उसको भी डाल दिया है, ये भी हमने घी में ही किया है, सब चीज़ें घी में करनी है। और अब दाल मखाने भी हम पीसेंगे तो वो भी डालेंगे, और मगज़ भी फ्राई हो गए हैं तो उन्हें भी हम निकाल के डाल लेंगे इसमें। और छुआरों को हमने काट के फ्राई किया था, देख सकते हैं काट लिया था, और इन्हें भी हम डाल देते हैं, सब कुछ डाल देंगे जितना भी हमने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए, और किशमिश भी डाल देंगे, और हम इसमें वही सामान डाल रहे हैं जो अभी तक हमने पीसा नहीं है। और इसे भी हमने अच्छे से कर लिया था फ्राई, और काजू बादाम को हमने फ्राई नहीं किया था तो हम कर लेते हैं घी के साथ अच्छे से। और ये हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से, देख सकते हैं अब कितना घी है इस पे, और इन्हें निकाल लेते हैं। और फ्राई करने से हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और सर्दियाँ भी ज़्यादा हैं तो इसलिए हम ज़्यादा सा बना रहे हैं ताकि ज़्यादा दिन तक स्टोर करके भी रख लें और सर्दियों भर खा सकते हैं हम ये। और इनको हम ठंडा करके फ्राई कर लेंगे, और इसको हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा पीस लेंगे इसे भी हम, और नारियल को भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और एक बार में सारा नारियल नहीं होगा तो 2-3 बार में हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई इसको घी में। फ्राई करके हम इसमें डाल देंगे सारा नारियल, अभी हमने सारा नहीं किया है, थोड़ा सा और बचा है वो भी करके इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने सारा नारियल सोटे कर लिया है, बस थोड़ा सा ही सोटे करना है, ये लास्ट है बस, और ज़्यादा इसको हम फ्राई नहीं करेंगे वरना इसमें से तेल की स्मेल आने लगती है और टेस्ट भी आने लगता है। तो थोड़ा सा हमें इसे सोटे करने हैं, हो गया बस डाल देते हैं। और डाल देते हैं और सारा नारियल हमने इसमें डाल दिया, देख सकते हैं आप कितना ढेर सारा हो गया। अब बस जो हमें पीस के डालना है वो बचा है, फिर हम वो डाल देंगे इसमें भी, मिक्स कर देंगे। और काजू बादाम को भी हमें दरदरा पीसना है, और हमें मखानों को भी पीसना है, और गोंद को भी पीसना है। और यहाँ पीस के हमने दाल मखाने डाल दिए हैं, और गोंद भी हमने पीस के डाल दिया है, देख सकते हैं। और काजू बादाम को भी पीस लेंगे, और यहाँ पे काजू बादाम पीस कर डाल दिए हैं हमने। और यहाँ पे जब हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है तो बड़े से पतीला रख दिया है, बहुत बड़ा सा है, देख सकते हैं आप। और इसको हम गर्म कर लेते हैं पतीले को, फिर इसमें हम घी डालेंगे, और इसमें हम घी डाल देंगे,
और यहाँ पे हमारा घी गरम हो चुका है। और यहाँ पे हमने सफ़ेद इलायची ली है जिसे हमने क्रश कर लिया था, और सफ़ेद इलायची को हमने डाल दिया है घी में। और यहाँ पे हमने शुगर ली है, 200 ग्राम के करीब शुगर है, और उसको अब हमने डाल दिया है घी में। और इसे हमें मेल्ट करना है, थोड़ा शुगर सिरप की तरह हमें तैयार करना है, चाशनी बनानी है। तो इसमें हमने 1 कप के करीब पानी डाला है, अब इसे स्टिर करेंगे, और जब हमारा जो शुगर मेल्ट हो जाएगा तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। और बॉईल भी आ चुका है, शुगर हमारी पास थोड़ी सी बची है और ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है, और शक्कर मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट सारे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फटाफट, और सब कुछ हमने ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हमने जो बाकी ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे और दाल मखाने वो भी हम डाल देंगे, और काजू बादाम जो लास्ट में पीसे हैं। हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है, सूजी गोंद की और ड्राई फ्रूट्स की, वो बहुत यम्मी होती है खाने में, और इसको आप ठंडों में ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। जैसे मैंने बनाई है वैसे बनाएंगे तो ये काफ़ी दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, और ये न्यू मदर के लिए भी बहुत यूज़फुल होती है, बहुत गर्म होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, और बुज़ुर्गों के लिए बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है ना, बहुत यम्मी होती है खाने में और बहुत अच्छी भी लगती है। रोज़ नाश्ते में खाइए ताकि आप हेल्थी रहें, और आपको ये बहुत फ़ायदा करेगी। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।